मानव का स्वभाव है कि ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता है। यहां लाभ में वृद्धि होती है और भावनाओं में लोभ में वृद्धि होती रहती है। जितना मिल जाए आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। आज लोभ कसाई को देखना है, क्रोध गया, अहम गया, छल कपट गया, अभी लोभ बैठा है। बड़ा खतरनाक है लोभ। शरीर को नहीं मन को शुद्ध करो। नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वास। कबीर कहते हैं कि नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, जो मन मैल न जाए। यदि मन का मैल नहीं गया तो बाहर का स्नान तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। मन की विषय नहीं छूटे तो बाहर का त्याग तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। मन से आसक्तियां नहीं गई तो तुम्हारी तपस्या भी बेकार हुआ करती है। मन को समझने का प्रयास करिए। ये कहना बहुत सरल है कि हमें धन से क्या लेना देना, ये कहना बहुत सरल है कि पैसा तो हाथ का मैल है, ये भी बहुत सरल है कि हमें धन से कोई संबंध नहीं। लेकिन पूछना अपने भीतर छिपे मन से कि तेरी निगाह धन पर जाती है या नहीं जाती है। अरे और तो और छोड़ो, अभी पंडाल से निकलोगे और 500 का नोट मिल जाए ना रस्ते में, अरे लोकाचार में मत उठाओ, लेकिन निगाहें तो बार बार वहीं जाती हैं, आंखें वहीं चली जाती हैं। आप उठा पाए या ना उठा पाए, और आपके देखते देखते यदि दूसरा उठा के ले गया फिर सोचना कि दिल में क्या उथल पुथल मचती है कि यार कहां के कोरे सिद्धांत में पड़ा रहा, उठा लेता तो 500 तो मेरे जेब में। और हकीकत तो इतने ईमानदार नहीं हो तुम, उठा ही लोगे, तुरंत नहीं उठाओगे, चारों तरफ देखोगे, अरे उठा नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, उस पर जूते रख करके तो खड़े हो ही जाओगे कि सब चले जाएं। और जैसे ही चले गए पैर हटाया और जेब में नोट आए। ध्यान रखना, मोह लोभ पाप का बाप बताना। लोभ इतने पर्युषण मनाए, हर साल लोभ पर प्रवचन सुनते हो, आज देखना कि कम हुआ है या बढ़ा। पिछले साल से इस साल में कितना लोभ मिटा हमारा, दूसरा पर्युषण आ गया। चलो 2004 में भी मैंने यहां पर्युषण मनाए थे और प्रवचन किए थे, इन 6 सालों में लोभ घटा है या बढ़ा है विचार करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 साल में एक मकान के 2 हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं 6 साल में मैं लाखपति था अब करोड़पति हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 साल पहले मेरे पास मारुति कार थी अब 80 लाख की मर्सिडीज आकर खड़ी हो गई। तो बताओ मेरे भाई, तुमने सोच धर्म अपनाया या केवल उसे अर्घ चढ़ाया और पूजा की और जय जयकार किया? बढ़ा है या घटा है? अपने अंतस को झांक करके देखें कि दिनों दिन हमारा लोभ बढ़ता है या घटता है। आयु क्षीण होती है, लोभ बढ़ते जाते, तृष्णा बढ़ती जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। पल्ले पड़ा गाय को पड़ेगा, शास्त्र बोलो तो समझ नहीं आती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा। अंग अंग गल गए, अंग
अंगम गलितम पलितम मुंडन, अंग अंग गल गए पलितम मुंडम सफेद बाल हो गए, दसन विहीनम जातम तुंडम दांतों से विहीन हो गया, कमर टूट गई, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड स्वीकार कर रहा है, झेल रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, तदपि न मुच्यति आसा पिंडम, कि पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, वाह आदमी की जिंदगी, मौत के मुंह में खड़ा ही आदमी और हाय हाय करता है, लोभ तृष्णाएं से मुक्ति नहीं पाया जा पा सकता है, अरे पड़ा पड़ा मरता है और हाय, परिवार नाम गिनता है, अरिहंत नाम नहीं लेता है, ध्यान रखिए, तदपि न मुच्यति आसा पिंडम, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, अरे खा खिचड़ी भी पचती नहीं, रोटी भी चपती नहीं, और पड़ा पड़ा मर रहा, हाथ पैर बत्ती, हाथ मोमबत्ती और पैर अगरबत्ती, पर पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर सोच रहा, ये लोग है। बताओ ईमानदारी से, दिनों दिन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना, काय हमारा खाला फड़वा रहे, जाओ घर अपने, जब तुम्हें सुधरना ही नहीं, काय के लिए हमसे इतनी मेहनत करा रहे, काय के लिए हर साल ये पर्यूषण के प्रवचन सुनते हो, दूर दूर से विद्वानों को बुलाते हो, पंडितों को बुलाते हो, संत महाराज होते उनके चरणों में बैठ करके सुनते हो, फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं, ज्यों करते हो उल्टे खड़े, ऊपर पानी डालते रहो डालते रहो, पानी व्यर्थ जाएगा, कोई फर्क ईर्ष्या मिटी नहीं, मायाचारी मिटी नहीं, छल कपट मिटा नहीं, लोभ मिटा नहीं, बोले क्या हो गए, बोले आज चौथा दिन है, बस निपट गए, छह दिन और हो गया परिश्रम छुट्टी हो गई, ऐसे कल्याण होता है क्या? आज संकल्प करके उठना कि अगले परिश्रम तक यदि मेरे दो मकान हैं तो अब एक कर लूंगा मैं, ध्यान रखना, ये तो उत्तम सोच है ना, अगले पर्यूषण तक ये सोचना कि 10 जोड़ी साड़ियां हैं मेरे पास, 50 जोड़ी तो पर्यूषण तक 10 ही बचेंगे, तब तो तुम पर्यूषण पर्व मना रहे हो, अगले पर्यूषण तक सोच लेना कि 4 दुकान है तो एक कर लूंगा, विचार करिए, नहीं करोगे तो फिर जाओ घर, हमको परेशान मत, क्या करेगा आदमी, सोचो तो कि जब जाओगे इस धरती से तो ये 4 दुकान में कितनी ले जाओगे, 1-2 कितनी दुकान ले जाओगे, कितने ऑफिस ले जाओगे, कितने मकान ले जाओगे, कितनी दौलत ले जाओगे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौवारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, कितने अच्छे से सुन रहे हो, जैसे सुधर गए हो पूरे, ऐसे डूब जाते हो तो अभी मोक्ष कल ही होने वाला है, कल का है, अभी 9:30 बजे मुक्ति हो जाएगी धर्म कर्म से, अरे लोभ से बचना है तो जितना सत्संग मिले, जितना धर्म ध्यान मिले उसमें अपना समय लगा दे,
अरे ना छूटे तो ना छूटे मेरे भाई, जब तक इस सत्संग में बैठे हो तब तक तो लोभ से मुक्ति मिल गई, तब तक तो संसार के वासनाओं से आकांक्षाओं से मुक्ति मिल गई। सुबह 7 बजे से बैठे हो 10 बजे तक, इतनी देर तक तो लोभ तुम्हारे पास नहीं है। ये भक्ति का फल है, ये भगवान की जिनेंद्र की आराधना का फल है, ये सत्संग का फल है कि जब तक बैठे रहो तब तक तो उससे दूर रहते हो। ध्यान रखना, लोभ तृष्णाओं को दिनों दिन बढ़ाता है, कम नहीं करता। लोभी आदमी बड़ा होशियार होता है मेरे भाई। घर में गर्मी के मौसम में आम आते हैं ना, कभी ख्याल करना, यदि आपके घर में 10 आम आए और एक खाना है तो अपने मन की प्रवृत्ति को देखना, उन 10 में से एक चुनोगे कि जो कड़क वाले हैं ना वो कल खा लेंगे, वो जो सड़ने की कगार पे है उसे आज निपटाओ क्योंकि कल रखेंगे तो और ज्यादा सड़ जाएगा। अब आपने उन 10 आम में से एक खराब वाला आम खा लिया, 9 आम रख दिए, अब कल खाना है, कल फिर चुनाव होगा कि अब 9 में कौन ज्यादा मरने की कगार पर है उसे पहले निपटा देते। 8 बचा लिया, फिर 8 में से चुनाव होगा। अरे मेरे लोभियों, ये बताओ कि तुम कभी अच्छा आम खाओगे या नहीं खाओगे कि रोज ही सड़ा सड़ा खाते जाओगे, रोज ही खराब ही खराब। ये लोभ प्रवृत्ति आदमी की, ये कंजूसी आदमी की। और तो और देखो, मंदिर जाएगा और यदि तिजोरी में नोट डालना है ना, बोलो अब तुम्ही, तुमको मालूम है मैं तो नोट डालता ही नहीं हूं। नोट डालना है तो क्या करोगे, जो जितना जीर्ण शीर्ण होगा उसे पहले निपटाओ, वो जो कर कराता। हालांकि दोनों की कीमत एक है, 5 रुपए का नोट पुराना भी 5 का है और नया नोट भी 5 का है मेरे भाई। 5 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी लोभ प्रवृत्ति बताती है कि तू अच्छा वाला तो आज खर्च नहीं करता, कल के लिए रखता है, और जो कचरा होता है उसे आज ही डालेगा, पुराना नोट जितना जीर्ण शीर्ण। और हकीकत तो ये है कि जो नोट दुनिया में नहीं चलता वो भगवान की तिजोरी में चल जाया करता है। जो नोट दुनिया में आप बचा करके रखते हैं वो जो दुनिया में आप खर्च करना चाहते हैं, मेरी जीर्ण शीर्ण है। क्या है लोभ की प्रवृत्ति, विचार कर। अपने बच्चे भी हैं और भाई के बच्चे भी हैं, उस समय आम को मत देखना, आम की छोटी बड़ी साइज को देखना।